हे भैया, आप लोगों के बीच में एक श्रद्धांजलि निर्गुण जातबा ग्राम कुड़ीहर पोस्ट उद्याए ब्लॉक ठेकमा तहसील लालगंज जिला आजमगढ़ के धरती से दर्द भरी कहानी जातबा। घर के मुखिया स्वर्गीय जगमोहन दीक्षित, उनके लड़का हरिचंद दीक्षित। हरिचंद दीक्षित के चार गो लड़का बाड़े। चार गो लड़का नगेंद्र, धीरेन्द्र, धर्मेंद्र, अवधेश कुमार दीक्षित। पूरा परिवार संपन्न बा, सब परिवार खुशी में जीवन यापन करत बा। आ गरीबी अवस्था में दिन बीतत हो, खेत बारी तो तमाम बा, लेकिन क्यों करे वाला ना रहल, इसलिए बाहरी आमदनी के कमी रहल, गरीबी में जीवन बीतत रहल। सबकर शादी ब्याह हो गए, लेकिन जौने समय अवधेश कुमार दीक्षित के शादी भइल बा, वो समय के बात दिहल गई। यही गीत के भाव लगल। क्या बात है, हे अवधेश कुमार जी के भइले बियाहवा हो, घरवा में लक्ष्मी गइली आई हो। ए भैया, जौने समय अवधेश कुमार जी के शादी विद्या जी के साथे भेल, एक लक्ष्मी के रूप में घर में आयल हैं, तो भेल का बन दुलहिन या विद्या आइली भावनावा हो, बन दुलहिन या विद्या आइली ससुरावा हो, घरवा में खुशी आया पार हो। जौने समय विद्या देवी दुल्हन बन के अवधेश जी के घर में आयल हैं, एक लक्ष्मी के रूप रहल है बाबू, दिन दिन बढ़ोतरी होवे लगल। दुल्हन के लेके परदेश चल गेलन, वहाँ तमाम रुपया पैसा कमाए लगलन अवधेश जी। और आगे होत का है, धीरे धीरे बीती गई ले कुछ जो दीनावा हो, गोदिया में अले दुई गो लाल हो, खुशिया में झूम लागल सबही के मनावा हो, खुशिया में झूम लागल सबही के मनावा हो, घरवा में भाजी लैया जो रहे हो। ए भैया, विद्या जी के अवधेश कुमार लेके बम्बई पहुँचल हमन, वहाँ तमाम रुपया पैसा कमाए लगलन। आ कुछ ही दिन बीतल गल, एक गो लड़का शिवम पैदा हो गइलन। आ कुछ दिन बीतल सत्यम, दो लड़का माने पैदा भइलन। आ थोड़ी से विद्या जी के प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम का उनके घुटना में ठेहुना के
ये बतास जौन लोग बतावल दर्द हो गई, तमाम दवाई दर्पण कैलन लेकिन वो दर्द गईल ना, और धीरे धीरे लड़का सयान हो गईलन। आयनकर घुटना पैर में दर्द इतना काफी हो गया कि चलो मुश्किल हो गया, एले अवधेश कुमार अपने बड़का लड़का के शादी कर दलन। और शादी कैले हों घर में एक बहू आ गई, और दुल्हन जब घर में आ गई विद्या जी, और दुल्हन से इतना जैसे एक बेटी या मातारी का दर्जा होला, वह तरह से दोनों जने में इतना प्रेम बा। एक दिन कहलिन कि हमार नैहरे जाए के मन करत है सब कर मिले खातिर, अब मिले खातिर नैहरे गई सबसे मिलजुल रहन, अपने बहन मतारी भाभी सबसे मिलजुल के घरे आए लेन, वहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई भैल का, यहीं से भाव लग गई मास्टर। अरे अवधेश जी के ऊपर अरे जईले कि अवधेश जी के ऊपर जईले बिकट समय राम जौन समय नैहर से सबसे मिलजुल के घरे पहुँचल हैं, अचानक तबीयत खराब भेल, नदी की डॉक्टर के यहाँ गोड़ाहरा बाजार में लेके गैलन, इंजेक्शन लगल हो माने आराम हो गेल, आराम हो गेल। जैसे ही रात बीतल है सुबह फिर तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, नदी की डॉक्टर के पास ले गैलन, कहलन कहीं आगे दिखाइए, तो भेल का अवधेश जी के ऊपर आईली बिकट समय राम हे विद्या जी के लेके चल रहे, विद्या जी के लेके चल रहे जौनपुर के नगरिया राम तबीयत ज्यादा खराब हो गई, लेके जमपुर के नगरी चलल हमन। जैसे ही शीतला माई के धाम के मोड़ पर पहुँचलन, वैसे ही आत्मा शरीर के छोड़ के निकल गई। और वही दिन तारीख कौन रहल, तारीख 24 रहल 11वां महीना हो, चिड़ैया राम छोड़ के पिजड़वा ए भैया। जैसे ही जमपुर के नगरी में पहुंचल हमन चौकिया माई के धाम के सामने, वहीं जे
कि पंछी छोड़ के पिंजड़ा के फरार हो गई। अवधेश कुमार के ऊपर बजर गिर गेल। अवधेश कुमार दीक्षित एक तांत्रिक भवन देवी माई के असीम कृपा उनके ऊपर हो साक्षात दर्शन दहलिन। कालीन अगर जेकर ऊपर अपन हाथ रख दे बाद दुष्ट आत्मा जेकर ऊपर हो ओकर भला हो जाई। जब से देवी माई का आशीर्वाद पौलन तब से विद्या जी के कहले पर माने दो महला घर बहुत बढ़िया बनौले हूँ, जिसे दिल्ली बम्बई फ्लैट कटाला सब कुछ उनकर देन रहल। विद्या जी के एक लक्ष्मी के तरह घर में आयल रहलिन और वैसे ही दोनों प्राणी में प्रेम रहल। लेकिन ये बाबू ये पंछी पिंजड़ा के छोड़ के उड़ गए 24 तारीख 11वां महीना 2020 में। आज जौने समय लाश के लेके वापस घरे पहुँचल हमन यहाँ दोनों लड़का शिवम और सत्यम और शिवम के पत्नी सबके आँख से आंसू चलत हो। रोई के कहलन का अरे हमके अध जलवा में छोड़ी गईलु माता जी। ये दोनों लड़का पत्नी और अवधेश कुमार जी रो के कहलन अरे हमके अध जलवा में छोड़ी गईलु माता जी। अकवन करनवा मुहावा मोड़ी गईलु माता जी। दोनों लड़का और दोनों लड़का और लड़का के पत्नी माता जी के वियोग में रोवत हिन आँख से आंसू बरसत हो। लेकिन अवधेश कुमार दीक्षित जी कहत का हमन शिवम के पापा कह के अब के बोलाई है। ये तोहरे बिना मोर खोजिया के ही करी है। हमके पगलवा बनाई गईलू धनिया। हमके पगलवा बनाई गईलू धनिया। कवने कारणवा मुहावा मोड़ी गईलू धनिया। कवने कारणवा मुहावा आग से आंसू बरसत हो रोवत होन के आखिर कौन कारण या घर में छोड़ के चले गेलू। ए बाबू गांवपुर के सब लोग समझावत बा लाश लेके मरघट मसान पहुंचल हमन जैसे ही जलाए के घर वापस अलन एगो घटना और घट गई। और घटना का घटल उनके माताजी अवधेश कुमार दीक्षित के माताजी एक दुख के सहन ना कर पौलिन। उनकर भी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब हो गई दूसरे दिन ये दुनिया के छोड़ के चली गई। कई हॉस्पिटल में लेके दौड़ना लेकिन बचाए ना पौलन।
उधर पत्नी के शोक है, हर मतारी के शोक, माई के लाश लेके अवधेश कुमार रोवत हूँ। कहलन का चौबीस तारीख के पत्नी के मृत्यु भइल, अब 25 तारीख के माता जी छोड़ के चल गए। 25 तारीख महीना 11/2020 बुधवार के दिने आज जब माता जी गए हैं, अवधेश कुमार जी रोवत हवन। रोवत कैसे हवन कि हमारे विधाना हो, कि हमारे विधाना हो, अरे कावन भइल हम से कसूर, हमारे विधाना हो, कलन के मालिक ये हमसे कौन सा इतना बड़ा कसूर हो गया, ये इतना बड़ा सजाए दे दहला। कहलन का हाय रे समैया, हे हाय रे समैया, बजार गिरवल हमारे विधाना हो, हाय सब कुछ लूटी लिहल मोर हमारे विधाना हो, सब कुछ लूटी लिहल मोर अवधेश कुमार। वो मालिक से कहा था उनके मालिक, इतना बड़ा समय डाल दला कि आज हमार सब कुछ लूट लेला, नारी तो पहले ले लहला लेकिन माँ एक सहारा बची थी, आज वह के ले लहला। भाई भैया मतारी का ममता बड़ा महान होला, यही लिए कहलन कि अमृत के धार केहू के तनो पियाई एगो माई बिना, आ कैसे करजवा जुड़ाई है भैया एगो माई बिना। आज माई चली गई करेजा फटत हो, रोई के कहलन का दिलवा से बिसरे नाही नारी के सुरतिया हमारे विधाना हो, नारी के सूरत दिल में साल थियो। दूसरे माता जी भी चल गए, माई का भी सूरत कैसे भुलाई। हे दिलवा से बिसरे नाही माई के सूरतिया हमारे विधाना हो, के हमारे विधाना हो, कि हमारे विधाना हो, घरवा मोर भाई लही अधियार हमारे विधाना हो, घरवा मोर भाई कहलन कि आज हमारे घर अन्हियार हो गए, सब कुछ हमार लूट लहला। आज भी मिले गए लहलिन, देख ली उनकर हालत पागलों जैसे हो गए हो। वो उधर पत्नी के वियोग, उधर माता जी भी चली गई, कोनो सहारा ना रह गए। दूठ बच्चा हूँ, एक बहु बा, वो बहु के एक बेटा भी पैदा भेल है इस समय। लेकिन आखिरी लाइन में कहना क्या, गुरु बिहारी
पतु स्वर्ग के नगरिया हमारे विधाना हो। बरसैलो रे हमारे विधाना हो, गाँव राम दखिया 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 बरसैलो रे हमारे विधान।